वृहद रोजगार मेले में युवाओं का उत्साहवर्धन करने के बाद सीएम योगी दोपहर 12 बजे नगर निगम की 122.29 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री महानगर के लिए 2 ई टूरिस्ट बस, 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा कलेक्शन वाहन और 2 जेटिंग कम सक्शन मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कूड़ा कलेक्शन वाहनों के चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र सौंपने के साथ ही सीएम केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी करेंगे। साथ ही साथ 25 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन मैजिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने का नगर निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तथा नगर निगम का प्रयास है कि हर घर से कूड़ा को उठा लिया जाए तथा अपने कार्यों में उसका यूज किया जाए, जिससे कूड़ा सड़क पर नहीं आएगा। अभी तक नगर निगम के पास कूड़ा उठाने के लिए 25 गाड़ियां थी, लेकिन शासन का निर्देश मिलने के बाद नगर निगम को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 25 गाड़ियां और दी जा रही हैं। इस गाड़ियों में अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें नागरिक गीला कचरा व सूखा कचरा अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल सकते हैं। इसके साथ ही 2 बड़ी वाली जेटिंग मशीन भी नगर निगम को मिल जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। हेलो,